तो हे गाइस वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में तो मैं बताने वाला हूँ 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि यार बाकी से यूनिक है, मतलब उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि उनको बाकी पोकेमॉन से यूनिक बनाती है, उनका उनका साइज, उनका कलर, उन ऐसी कुछ चीज़ें जो उनको बाकी से यूनिक बनाती हैं। तो हाँ, ऐसी मैं तुम्हें आज पूरे 10 पोकेमॉन्स के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक देखना वीडियो को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 गोल्डन सूडोवूडो। तो फिर ये यार एक पहले नॉर्मल पोकेमॉन था, पर लेकिन इसका जो ट्रेनर है वो भाई इसको कुछ ऐसा बनाना चाहता था, मतलब तुम्हें पता है सूडोवूडो को यार पानी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो हाँ, तो वो भाई इसको ऐसा एक पोकेमॉन बनाना चाहता जो कि भाई वाटर टाइप से भाई वीक ना रहे, और बाकी जो सूडोवूडो है उनको भाई पानी बिल्कुल ही पसंद नहीं होता। तो हाँ, उसी एक्सपेरिमेंट के चलते हुए उसके ट्रेनर इसको गलती से भाई गोल्डन सूडोवूडो बना दिया था, जिस वजह से भाई इसका कलर गोल्डन हो गया था। और तुम्हें याद होगा इसके पीछे भाई टाउन के सभी लोग पड़ गए थे इसके पीछे। तो हाँ, इसी वजह से भाई ये गोल्डन सूडोवूडो इतना ज़्यादा यूनिक है। पर लेकिन भाई उस एपिसोड के एंड में वापस एक नॉर्मल सूडोवूडो बन जाता है, हाँ, पर कुछ देर के लिए सही। पर हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक था गोल्डन सूडोवूडो, और भाई ये अकेला था, बस एक अकेला ही एक पोकेमॉन था गोल्डन सूडोवूडो, बाकी किसी के पास भी यार मैं अभी तक गोल्डन सूडोवूडो नहीं देखा है। और किसी भी सूडोवूडो का कलर भाई अभी तक गोल्डन नहीं है, सबका कलर भाई ब्राउन और ग्रीन ही रहता है। तो हाँ, ये भाई काफ़ी ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इसका कलर भाई गोल्डन है। 2 क्रिस्टल ऑनिक्स। तो फिर ये ऑनिक्स भाई पूरा ही क्रिस्टल का बना होता, हालांकि अभी तक यार किसी को नहीं पता ये क्रिस्टल का कैसे हुआ, मतलब भाई अभी तक किसी को नहीं पता पहले से क्रिस्टल का था या फिर ये बना है क्रिस्टल किसी तरह क्रिस्टल ऑनिक्स। तो अभी तक भाई ये चीज़ किसी को भी नहीं पता। पर लेकिन इसकी एक और स्पेशल चीज़ थी कि ये भाई पानी में रहता, जैसे कि मैंने गोल्डन सूडोवूडो के बारे में बताया, वो भी भाई पानी में आराम से स्विम कर सकता था, ये तो यार बिल्कुल पानी में ही रहता था हर वक्त। तो हाँ, ये भाई इसके एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ थी। उससे भी ज़्यादा इसकी यूनिक चीज़ ये थी कि भाई क्रिस्टल का बना होता, और बाकी ऑनिक्स में पता है भाई बिल्कुल रॉक के होते हैं, पर ये भाई क्रिस्टल ऑनिक्स था। तो ये भाई ये चीज़ को सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है बाकी ऑनिक्स से। 3 विक्टर का पिकाचू। तो फिर ये पिकाचू भाई बहुत ज़्यादा यूनिक था बाकी पिकाचू से। पहले तो इसकी भाई आँखों का कलर देखो, तो इसकी आँखों का कलर भाई ब्लू था जो कि पिकाचू का नहीं होता। और दूसरी चीज़ है भाई ये पिकाचू लहरों को भाई फील कर सकता था, भाई सीरियसली ये लहरों को फील कर सकता था, ये सर्व भी करता था और भाई सर्व करते हुए लहरों को फील कर सकता था, जो कि भाई अब तक कोई भी पिकाचू नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कोई पोकेमॉन भी नहीं कर सकता पोकेमॉन वर्ल्ड में। तो हाँ, ये चीज़ यार इसको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है। 4 पिंक बटरफ्ली। तो फिर पिंक बटरफ्ली भाई बहुत ज़्यादा यूनिक थी, क्योंकि इसके अलावा हमें अब तक भाई कोई बटरफ्ली पिंक नहीं मिली देखने को मिली है, क्योंकि भाई अभी तक हमने देखा है कि मतलब ये हमें ऐश के बटरफ्ली के साथ देखने को मिली थी, और नॉर्मल बटरफ्ली का कलर होता है भाई पर्पल, पर लेकिन इस बटरफ्ली का कलर था भाई पिंक, जो कि इसकी शाइन फॉर्म का कलर भी नहीं होता। तो हाँ, ये बिल्कुल भाई यूनिक सी बटरफ्ली थी जो कि हमें ऐश की बटरफ्ली के साथ देखने को मिली थी। तो हाँ, ये हमें बस भाई अभी तक यही इकलौती बटरफ्ली देखने को मिली है जो कि जिसका कलर भाई बिल्कुल ही पिंक है। 5 राइडॉन। तो फिर ये राइडॉन यार बिल्कुल एक नॉर्मल राइडॉन की तरह देखने पर था, इसका साइज भी भाई बिल्कुल एक नॉर्मल राइडॉन जैसा ही था, पर इसकी जो यूनिक चीज़ इसको बनाती है वो है भाई ये पानी में स्विम कर सकता था, जो कि भाई तुम जानते हो राइडॉन भाई कितने ज़्यादा डरता है, और सभी रॉक टाइप पोकेमॉन डरते हैं, पर भाई सीरियसली पानी में स्विम कर सकता था, और इसलिए भाई हमने इसको जोटोजन के हमें एक एपिसोड में ये राइडॉन दिखाया गया था, जो कि पता नहीं भाई ये कैसा हुआ, मतलब ये पता नहीं कैसे कर सकता था स्विम पानी में, किसी को भी नहीं पता भाई ये पानी में कैसे रह सकता था, और हमें भाई ये जोटोजन के एपिसोड में दिखाया गया था। 6 पिंक एन आइलैंड के पिंक पोकेमॉन्स। तो फिर यहाँ के जो पोकेमॉन्स थे भाई उनमें कुछ भी यूनिक नहीं था, पर लेकिन इस आइलैंड पर यार एक फ्रूट मिलता था जिसको खाकर कुछ देर के लिए भाई पोकेमॉन्स पिंक हो जाते थे, उनका कलर पिंक हो जाता था। तो हाँ, ये कुछ ही देर के लिए रहता था, पर लेकिन वो इस आइलैंड पर हमेशा के लिए रहते थे, मतलब वो इसी आइलैंड पर रहते थे तो उनका कलर मोस्टली भाई पिंक ही रहता था, तो इसलिए भाई इनको यहाँ पर पिंक एन आइलैंड पर यार इसलिए तुम्हें सभी पोकेमॉन पिंक ही मिलेंगे, जिन जो भाई काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि तुम जानते हो भाई शाइनी फॉर्म भी नहीं होती इन पोकेमॉन्स की। तो हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है कि इन पोकेमॉन्स का कलर यार पिंक है, जो कि होता तो भाई बस एक फ्रूट खाने से ही है। 7 जायंट ड्रैगनाइट। तो फिर इसके बारे में तो सभी को पता होगा, हालांकि हमें पूरा देखने को मिला था, पर लेकिन हमें भाई इसका एक शैडो टाइप भी बोल सकते हो, शैडो टाइप भी हमें इसकी देखने को मिली थी, तो हाँ वो भी भाई इसको हम देख पता लगा सकते हैं ड्रैगनाइट ही था, जिसका साइज यार बहुत ज़्यादा बड़ा था, नॉर्मल ड्रैगनाइट से तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था इसका साइज, जो कि इसको बाकी ड्रैगनाइट से काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है। तो हाँ, इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा था, तो हाँ इसी वजह से भाई ये एक ही है भाई, अभी तक हमने कोई भी इतना बड़ा ड्रैगनाइट नहीं देखा है। हाँ, हमने जायंट पोकेमॉन्स देखे हैं, पर इतना बड़ा ड्रैगनाइट हमने अभी तक कोई भी नहीं देखा है इस ड्रैगनाइट के अलावा, तो ये चीज़ यार इसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है।
नंबर 8 एश ग्रेंजा। तो फिर एश का ग्रेंजा इतना बहुत ज़्यादा यूनिक था क्योंकि ये बाउंड्री वॉल हो सकता था, जो कि यार कोई भी पोकेमॉन नहीं हो सकता है बाउंड्री वॉल। और हाँ, ये पोकेमॉन एनिमे का एक ऐसा लौता पोकेमॉन जो कि बाउंड्री वॉल हो सकता है, बाकी यार कोई भी ग्रेंजा बाउंड्री वॉल नहीं हो सकते, यहाँ तक कि कोई पोकेमॉन भी नहीं हो सकता अपने ट्रेन के साथ बाउंड्री वॉल। तो हाँ, ये चीज़ इसको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है। नंबर 9 ऐश का गिंगार। तो फिर जो ऐश का गिंगार है उसका कलर है बाकी गिंगार से बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि अगर तुम नॉर्मल गिंगार का कलर देखोगे तो वो कुछ ऐसा है और शाइन का कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल ही कुछ ग्रीन टाइप का है। और ऐश का गिंगार कलर यार दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट है। और यहाँ पर तुम बोलोगे एनिमेशन स्टाइल में भाई हो सकता है गिंगार कलर चेंज कर दिया हो, तो नहीं भाई, हम इसके बाद एक दूसरा गिंगार भी देखने को मिला था ऐश के गिंगार के बाद हमें एक दूसरा गिंगार देखने को मिला था, वो पोकेमॉन जर्नीज में ही, जो कि तुम देख सकते हो उसका कलर भाई अलग ही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो नॉर्मल गिंगार है भाई ऐश का वाला, उसका कलर भाई दोनों का तुम देख सकते हो, और ये दोनों जर्नीज की इमेज है और ऐश के गिंगार का कलर भाई बिल्कुल ही डिफरेंट है नॉर्मल वाले से। नंबर 9 ऐश का पिकाचू। तो जो ऐश का पिकाचू है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि जो नॉर्मल पिकाचू रहते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, और हमने एनीमे में यार बहुत सारे वीक पिकाचू देखे हैं, पर जो ऐश का पिकाचू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तुमने देखा है भाई वो लियोन का चार्जर बहुत ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन को हरा चुका है, जो कि नॉर्मल पिकाचू के करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हमने एनीमे में भाई किसी पिकाचू की सब करते हुए नहीं देखा, इसलिए यही चीज़ भाई ऐश के पिकाचू को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है कि वो बाकी पिकाचू से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यही चीज़ पिकाचू को बाकी पिकाचू से बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है। सो बस गाइस, वीडियो इतनी थी, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।